हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल विवियो 9। आज मैं आपके साथ नायब तहसीलदार के पुराने वाले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा, इसके आंसर्स भी बताऊंगा और हम आंसर्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि पुरानी सुराही में पानी कम गर्म होता है नई वाले के मुकाबले में। वाटर केप्ट इन ओल्ड सुराही इज लेस कोल्ड देन वाटर इन द न्यू वन, वाई? तो दोस्तों, आप लोगों को मैं सबसे पहले प्रिंसिपल बताता हूँ कूलनेस, कूल होने का, ठंडे होने का। जब भी एवापोरेशन होती है तो एवापोरेशन होने के बाद चीज़ें ठंडी होती हैं। तो जो नई वाली सुराही लेते हैं उसके सरफेस की वाल या सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर से पानी बाहर निकलता है और एवापोरेट होता है। इस एवापोरेशन की वजह से वहाँ पानी की बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। जो जो सुराही पुरानी होती जाएगी तो ये जो पोर्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इन पोर के बंद होने की वजह से सरफेस एरिया एवापोरेशन का कम हो जाता है। देयरफॉर आवर आंसर विल बी कि द पोर्स इन द ओल्ड सुराही बिकम्स क्लॉग्ड एंड देयर फोर टोटल सरफेस एरिया फॉर एवापोरेशन इज रिड्यूस्ड। बाकी कोई इसमें सही नहीं है। दूसरा सवाल है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो सीधा सी बात है, आपने थ्री इडियट देखी होगी आप लोगों ने, कि सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट आयनिक हो जाता है पानी में, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो है, NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, तो उसका क्या हो जाता है, उसका आयनिक फॉर्म हो जाता है सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये करंट को कंडक्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द वर्क यूनिट ऑफ वर्क, तो वी हैव ए कॉमन यूनिट फॉर वर्क एंड एनर्जी दैट इज जूल। तो एनर्जी का भी यही है जूल, पहले कैलोरी होती थी अब जूल, ठीक है जी। यूजली लाइट travels faster than sound. However, when we switch a television set on, the picture comes later than the sound. The reason is that, तो सीधी सी सिंपल, वेरी सिंपल बात है कि टी वी चलाने के लिए, अब तो LED और LCD का ज़माना है, अब प्लाज्मा टी वी का ज़माना है, तो ये चीज़ों की तो बात ही नहीं है। तो फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ मैं आपको बता दूँ कि टी वी में कैथोड लगा होता है, कैथोड, ठीक है जी। कैथोड से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलती है जिसकी वजह से हमारे इमेज बनती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वार्म अप के लिए टाइम चाहिए, दैट इज व्हाई ये हमारा क्या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पिक्चर टेक्स सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री इट्स वॉलम, तो ये इन्होंने इनका इसका दिया ही गलत था सारा। ऐसा है कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 डिग्री, ये याद रखना आपको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड को नीचे जाओगे तब भी इंक्रीज होता है, ऊपर जाओगे तब भी इंक्रीज होता है। 4 डिग्री से जब वाटर का टेम्परेचर नीचे जाएगा तो भी इसका वॉलम इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा तो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इसने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है सही, ऑप्शन होना चाहिए था कि फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, ऐसे होना चाहिए था कि फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, तो फिर ये ठीक था, अदरवाइज ये सारे के सारे गलत हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव। हालांकि इंफ्रारेड में भी कम्युनिकेशन होती है, कौन सी होती है, जैसे आपका रिमोट चलता है, ठीक है, रिमोट, बट मोबाइल सेलुलर नेटवर्क जो हैं, जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following statements is false?
साइंटिफिक थिंकिंग एक्सेप्ट्स लॉजिकल थिंकिंग, तो ये तो ज़रूरी बात है कि लॉजिक तो होना चाहिए साइंटिफिक थिंकिंग के बीच। दूसरा है साइंटिफिक थिंकिंग ट्राइज टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट का तो थ्योरी लगती है। साइंटिफिक थिंकिंग डिपेंड्स अपॉन पास्ट, और भाई पास्ट एक्सपीरियंसेस से साइंस को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाला भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट वाला भी सही है, तो हमारा इसका आंसर जाएगा सी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, तो इन सब में से गोल्ड हैवीएस्ट है। गोल्ड, गोल्ड की स्पेसिफिक डेंसिटी 19 के आगे है। द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस इज क्लोरो एसीटोफिनोन, क्लोरो एसीटोफिनोन, ये एसीटो है, एसीटो एसीटो है ये बीच में, ठीक है। क्लोरो एसीओ नहीं, एसीटोफिनोन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स ए हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन देन रेस्ट, सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में, हाईएस्ट डेंसिटी कोल जो होता है एंथ्रासाइट, हाईएस्ट